फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी सामान्य अध्ययन शॉर्ट पेपर 14300 प्लस क्वेश्चंस। इसमें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में आर्ट एवं कल्चर, कला एवं संस्कृति के टाइप वन के क्वेश्चन नंबर 1 से 85 तक। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 है, तमिल देश की शासकीय भाषा है। ऑप्शन है आपके पास पुद्दुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव या फिर दिल्ली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुद्दुचेरी। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, विवेकानंद ने किस वर्ष धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन है आपके पास 1893 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1893 ईस्वी में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट या उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश में। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। ऑप्शन है आपके पास मिंजर, पुली काली, मिथमी या फिर मड़ई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थिमिथी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छः है, तसोकम समाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, असम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नागालैंड में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डैश, सिक्किम के भूटिया लोगों को नव वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। ऑप्शन है आपके पास असुर, सोनम लोसुंग, बेसक या थाई पोंगल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोनम लोसुंग। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, बेसक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ईसा मसीहा, महावीर, यहूदी या फिर बुद्ध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्ध। बेसक जो है बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ऑप्शन है केरल, असम, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म का। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दशई डैश का सबसे भव्य त्यौहार है। ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेपाल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लूसी बोली किस राज्य से में बोली जाती है। ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, गोवा, मणिपुर या फिर केरल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 साओ जवाओ उत्सव के दौरान गोवा के लिए एक दूसरे को उपहार में डैश देते हैं। ऑप्शन है आपके पास फल, फूल, बियर या फिर मछली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फल देते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी डैश त्यौहार के विभिन्न नाम हैं। ऑप्शन है आपके पास गणेश चतुर्थी, दशहरा, मकर संक्रांति या फिर होली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सूर्य महोत्सव, सूर्य फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तिरुवनंतपुरम। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेतर मेला लगाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17
बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1-4 सिक्किम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डागरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है? ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन है आपके पास उड़िया, पाली, कन्नड़ या फिर तेलुगु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाली भारत की भाषा क्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से पारसी नववर्ष किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके पास उगाड़ी, नवरोज, पटेटी या फिर पुथांडू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नवरोज। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य महोत्सव सूर्या फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जयपुर या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तिरुवनंतपुरम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेतर मेला लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डागरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है? ऑप्शन है आपके पास जम्मू और कश्मीर, दादर और नगर हवेली, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है, हेमिस किसु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास दलाई लामा, गौतम बुद्ध, गुरु संपदा संभव, आदि शंकराचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु पदम संभव। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असम। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर असम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित त्यौहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स है? ऑप्शन है आपके पास दीपावली, दिवाली, लाई हरोबा, मकर संक्रांति या फिर पोंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाई हरोबा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास थाई पोंगल, कानून पोंगल, मुट्टू पोंगल, भोगी पोंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कानू पोंगल। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस साल भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? आप दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर में मनाया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुचावी मेला मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कामाख्या मंदिर में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल राज्य में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थाई पूसम। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की डैश है? ऑप्शन है आपके पास भाषाएं, रंगमंच शैली, संगीत प्रकार, नृत्य शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषाएँ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सैंतीस है। निम्न में से कौन सा राज्य लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। असम में काटी बिहू पर्व को डैश के पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुलसी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आर्थुकल फीस्ट ऑफ बेटूटक कार्ड उत्सव डैश राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इसको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आसवरी उत्सव। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मेदमेफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह डैश राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असम राज्य में यह मनाया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को एक घंटे तक बंद करके मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थ आवर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कोडार्क नृत्य महोत्सव डैश की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है, जिसमें ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य मंदिर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। डैश कोडाओ जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुथरी त्यौहार। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बूरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निसी जनजाति द्वारा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सोनकांग्स डैश की जातीय सांस्कृतिक का एक हिस्सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नागालैंड। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संगाई त्यौहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नवंबर महीने में मनाया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पूछ रहा है, 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 राज्यों को।
छह भाषाओं को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। पारसी समुदाय के नवरोज त्यौहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है, यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठात देवता माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंद्रमा देवता। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बावन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुचाबी मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है, निम्न में से किस कवि का उपनाम निराला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। बाली यात्रा किसका शाब्दिक अर्थ है? बाली की यात्रा जो विशेष रूप से डैश बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कटक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। साकेवा डैश के किरात खाम्भू या समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छप्पन हमारे पास है, नाइसी अपटानी बोकार जैसी भाषाएं डैश के में व्यापक रूप से बोली जाती है? ऑप्शन है आपके पास असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सक्रिय नील त्यौहार फरवरी महीने में डैश की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये किस राज्य से हैं? तो ये नागालैंड राज्य से हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास नासिक, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, हरिद्वार, पुरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुरी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। असम के प्रमुख त्यौहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल महीने में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। तिरुवाथिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल राज्य का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खारची पूजा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। झारखंड के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत पर्व। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रियई पर्व। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर भिक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पैंसठ है, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ाना किसी आदमी द्वारा गर्जनी करती हुई भैंस दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कम्बाला। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत सरकार ने डैश तक टीका उत्सव नाम का एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 14 अप्रैल 2021। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सिक्किम के डैश त्योहारों को भूमि पूजा या चांडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेवा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काली पूजा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। सांग केन डैश का एक पर्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बौद्धो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, हथौरपा यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोवा राज्य।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, डैश नेल्लोर की बड़ी शहीद में दरगाह प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोटेला पांडुंगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रहा है, दुर्गा पूजा का त्यौहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महिषासुर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फूल देई। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैसाखी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल में ही किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिलाल उन नबी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। रमजान के पवित्र महीने में आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईद उल फितर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का चिन्ह करने वाला समारोह कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेटिंग ट्रीट समारोह। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कुल्लू दशहरा एक रंगो महोत्सव है जो मुख्यतया किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। पूछ रहा है, थाई पुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु राज्य में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यज्ञापन थैंकिंग्स उत्सव, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोलो महोत्सव। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विस्तु वर्ष। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉर्नबिल महोत्सव को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खारची पूजा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक डैश दिन चलने वाला एक नारित्व का त्यौहार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिनों का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।